हाय बच्चे, हो कैसे हो सब? तो बहुत दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली हमारे एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा डेली टाइम टेबल होना चाहिए, कितने चैप्टर्स हम लोगों को पर डे फिनिश करने हैं। एंड मैक्सिमम बच्चों का डाउट ये था कि मैम हम लोग नीट एग्जाम एज वेल एज एम्स नर्सिंग एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर करके चल रहे हैं, तो क्या इज दिस पॉसिबल कि मैं अपना नीट एग्जाम से पहले सिलेबस फिनिश ऑन कर लूँ एंड आफ्टर द नीट एग्जाम मैं रिविजन प्रॉपर रिविजन के साथ एम्स नर्सिंग एग्जाम भी ट्राई करूँ अटेम्प्ट करने के लिए। सो एग्जैक्टली दिस इज क्लियरली पॉसिबल बच्चों, बिकॉज अभी भी हमारे पास सफिशियंट टाइम अवेलेबल है। सो बच्चों, अगर हम एक टोटालिटी में देखें तो हमारे पास नीट एग्जाम में अभी 4 मंथ्स अवेलेबल हैं। अगर हम दिसंबर का 15 डेज हटा दें एंड उसके बीच में फेस्टिवल्स एंड ऑल ये चीज़ें हटा दें, एंड ऑन द सेम टाइम हमारे पास एम्स नर्सिंग के लिए 5 मंथ्स अवेलेबल हैं, तो 5 मंथ्स में, और वी कैन से 4.5 मंथ्स में हमारे पास ये बहुत इजीली आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों का कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है जो स्टूडेंट 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पूरा दिन और रात मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, या फिर हो सकता है वो 12th में उन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट किया हो, तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन उनके साथ है। सेम नीट एग्जाम में भी, सेम्स एम्स नर्सिंग एग्जाम में भी। एम्स नर्सिंग में अभी 2023 में आपके अराउंड 50,000 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने नीट सॉरी एम्स नर्सिंग एग्जाम दिया था, बट इन 2024 ये काउंट आपका बढ़ के 80 to 1 lakh होने वाला है, 80,000 to 1 lakh। तो इट मीन्स आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप लोगों को हार्डवर्क भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि एग्जैक्टली आप लोगों का टोटल डेली टारगेट्स क्या होंगे। आई हेल्प यू विद बायोलॉजी एज वेल एज आप लोगों को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, फिर ऑल बॉन्ड तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है? जैसे एज यू कैन सी इन दिस शीट ऑल्सो, कि इस शीट में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, लिविंग वर्ल्ड से, लिविंग वर्ल्ड 2 लेक्चर्स में फिनिश है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली शीट का एक्सेस हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो जितनी भी मैं रिसोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, उनका कोई कोर्स कुछ भी, आप लोग सभी की सभी चीजें आप लोगों के लिए फ्री एंड कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है? तो फर्स्टली हमारे पास लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे ही अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो हमारे पास ये, मैंने आप लोगों को पूरा 12 सारे लेक्चर्स एक ही शीट में अपडेट करके दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे, मैम इतने सारे चैप्टर्स हैं, हमें प्रॉपर प्लान नहीं पता होता है कि हमें किस दिन कौन सा चैप्टर फिनिश करना है। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे साइड में देखेंगे, आप लोगों को डेली रिविजन टारगेट्स का एक टैब मिलेगा। डेली रिविजन टारगेट्स में ये आपका जो प्लानर है, मैंने 15th of December से स्टार्ट किया है, आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो 14th of December, तो आई विल से यू कि आप लोग कल से इस प्लानर को स्टार्ट कर दे, बट आज का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज हर एक स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन, अपना जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करते चलना है। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे 15th of December ऑन फ्राइडे आप लोगों को इवोल्यूशन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, ठीक है? मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तक आप लोगों ने सारे चैप्टर्स एक एक बार पढ़ लिए होंगे। अगर आपने सारे चैप्टर्स एक बार भी नहीं, तो इट मीन्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। आप लोगों को सारे डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, अपने लेक्चर्स फिनिश करने हैं, प्रॉपर आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, रिविजन करते टाइम आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स बना के चलना है, एंड साइड बाय साइड आप लोगों को डीपीपीज भी सॉल्व करके चलना है। अब मेन चीज आ जाती है, हमारे बच्चों को ये तो पता चल जाता है चलो हमें कहाँ से पढ़ना है, लेक्चर्स हम लोगों को मिल गया, द मेन थिंग इज लोगों को कहाँ मिलेगा। तो इसी शीट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर वाइज पीसीबी मॉड्यूल्स, तो आप लोगों को यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 11th का एंटायर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे मॉड्यूल्स का लिंक अपडेट करा दिया है, आप लोग इस पीडीएफ में जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। एज वेल एज ऑन द सेम टाइम आप लोगों को 12th के भी मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप लोगों को चैप्टर वाइज डीपीपीज यहाँ पे मिलेंगे, एज वेल एज आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट के टारगेट्स पे मिलने वाले। इफ़ यू ऑल वांट कि आप लोगों का सिलेबस फिनिश होता चला जा रहा है, तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के टारगेट्स मिलेंगे। इसी के ही साइड में आप लोगों को यहाँ पे
यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर विद आंसर की अपडेट करा दूंगी, तो आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं सिर्फ ये सिंगल शीट आप लोगों को रेफर करनी है। बायोलॉजी के डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डेली बायो के इसी शीट पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डिमांड करेगा कि उसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी सेम फॉर्मेट में चाहिए, उसको इधर उधर यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े कि कौन सा केमिस्ट्री के लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है, कौन सा फिजिक्स के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स भी सेम शीट में अपडेट कर सकती हूँ। बट दिस विल बी ऑन योर डिमांड Only. ये आप लोगों के डिमांड पे मैं करने वाली हूँ। बायो का मैंने अपनी साइड से आप लोगों को कंप्लीट डन करा के दे दिया। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे डेली रिवीजन टारगेट्स के बारे में बताती हूँ, तो ये जो हमारा रिवीजन टारगेट्स में मैंने रिपीटिव रिवीजन्स रखे हुए हैं, एंड रिपीटिव रिवीजन्स के बाद आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है एंटायर 11th एंड 12th, वो आपका 28th ऑफ जनवरी में फिनिश हो जाएगा। एंड 28th ऑफ जनवरी के बाद आप लोगों को, बिकॉज हमारे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 12th ऑनगोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फेब्रवरी और मार्च ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम्स में निकल जाते हैं, इसलिए हमारा मेन यहाँ पे मकसद ये रहने वाला है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो जनवरी तक फिनिश हो जाए, सो दैट आप फेब और मार्च अपने बोर्ड एग्जाम से फोकस कर पाए। एंड जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम से निकल के आएंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफएसटी सॉल्व करने वाले हैं। अब मेन चीज आती है, आप लोग एफएसटी कहाँ से सॉल्व करेंगे, उसके लिए आई सजेस्ट यू अ बुक। ये आपकी ओसवाल की बुक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे ये बुक अभी पब्लिश हुई है। एज यू कैन सी हियर, ये जो बुक है आपकी, ये 6th of October में रिलीज हुई है। बिकॉज वी ऑल नो हमारा जो सिलेबस था नीट का, वो रेशनलाइज कर दिया गया था। जितने भी हमारे पुराने मॉक टेस्ट वाली बुक्स थी, वो सब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी। बट अब आप लोगों के लिए ओसवाल ने भी एक बहुत अच्छी बुक विद 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। एंड जैसे मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसमें सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर वाइज माइंड मैप्स मिलने वाले हैं। इस फॉर्मेट में आप लोगों के माइंड मैप्स रहेंगे, एज वेल एज आप लोगों को इसमें चैप्टर वाइज निमोनिक्स भी मिलेंगे। इसका एक डेमो पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को इसके अंदर पूरे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज इन मॉक टेस्ट की है, यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आते हैं स्पेशली इन बायोलॉजी, तो आप लोग सेम मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे अपने डाउट पे पुट ऑन कर सकते हो, तो आप लोगों के पर्सनल डाउट भी शिवानी मैम आपके सॉल्व करने वाली है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट बुक जिसके थ्रू आप अपने पूरा अप्रैल में 10 पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने यहाँ पे आप लोगों का 12th यूनिट वाइज एफएसटीज जो प्लान किए हुए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिलता है, तो आप लोग बायो के लिए ये बुक रेफर कर सकते हैं। 36 ईयर नीट यूजी पीवाईक्यूज, आप लोग इस बुक में से अपने सारे पीवाईक्यू, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे टारगेट्स दिए हुए हैं कि आप लोगों को किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, तो आप लोगों की ड्यूटी ये है कि उस दिन आप उस चैप्टर का प्रॉपर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करें, एंड देन आप लोग बुक उठाएं और यहां से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से रीड किया है या नहीं किया है। साइड बाय साइड आप लोगों को ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स फिनिश होते चले जाएंगे। इफ यू वांट तो सेम बुक आप लोगों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी अवेलेबल है, जिसका बाइंग लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो बच्चों, ये तो थी हमारी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा, जितने भी न्यूली एडिड टॉपिक्स है नीट के अंदर, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है या नई एनसीईआरटी, दोनों में नहीं है, उसके लिए भी ओसवाल की एक नई बुक लॉन्च हुई है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है उस बुक के बारे में। उसमें सारे न्यूली एडिट टॉपिक्स विद पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, एंड उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में जो जितनी भी नई फैमिलीज एड ऑन हुई है, उन फैमिली से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए जो रिवीजन टारगेट्स है बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, बट आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली इन रिवीजन टारगेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आज आप लोगों को बोल दिया कि आज आप लोगों को इवोल्यूशन चैप्टर फिनिश करना है एंड साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी चैप्टर करना है, तो आपने आज इवोल्यूशन कर लिया, कल आप लोगों के लिए कुछ दूसरे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, तो आप लोग एक चैप्टर आपने छोड़ दिया तो कल आपके 3 चैप्टर हो गए, फिर वो एक एक चैप्टर ऐसे करते आपका बहुत बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाएगा।
आप लोगों का रिपीटिव रिविजन्स नहीं पॉसिबल हो पाएगा. सो मेक श्योर कि जो आप लोगों को टारगेट्स मिले हुए हैं उन टारगेट से आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें कोई भी चैप्टर. फिर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें 8 घंटे पढ़ना चाहिए, मैं कभी किसी भी स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें नहीं बताती हूँ कि आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए. बिकॉज हर एक स्टूडेंट की जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत अलग होती है. एक स्टूडेंट को एक चैप्टर पढ़ने में हो सकता है 2 घंटे लग रहा है, ऑन द सेम टाइम एक स्टूडेंट को एक चैप्टर पढ़ने में 5 घंटे लग रहे हैं. तो हमें ये नहीं देखना है कि स्टूडेंट ने आज 2 घंटे पढ़ाई किया 5 घंटे पढ़ाई किया है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है. दोनों का प्रोडक्टिविटी सेम है ना, एक एक चैप्टर. तो इसका मतलब जिसको 5 घंटे लग रहे हैं उसको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी करना चाहिए, जिसको कम टाइम लग रहा है उसको कंपैरेटिवली थोड़ा कम सेल्फ स्टडी कर सकता है वो. बट आप लोगों के टारगेट्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए. फिर आपको उन टारगेट्स को फिनिश करने के लिए 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा. आप लोगों के आपके जितने भी एक्स्ट्रा हाउस होल्ड वर्क्स हैं या फिर जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, आप लोगों की जो सोशल वेबसाइट्स पे आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, इतना रील्स स्क्रॉल करने में टाइम लगाता है, वो सब आप लोगों का बंद कर देना चाहिए. बिकॉज अब बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, यही वो टाइम है बच्चों जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ. आप लोगों को रिग्रेट ना हो, जैसे ही आप 12th बोर्ड एग्जाम्स देके फ्री हो तो आप लोग सेम टाइम बस 1 मंथ में अपना प्रॉपर रिवीजन करके फटाफट से आप लोग नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए एंड आपको 1 ईयर का ड्रॉप नहीं लेना पड़े. हर एक टीचर की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना टीचर ने पढ़ाया हुआ है बच्चे उसको प्रॉपरली रिविजन करते रहे, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करे. चीज आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए, रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, सिलेबस कवरेज से कभी सिलेक्शन नहीं होता कि आपने 100% सिलेबस पढ़ लिया है. मैटर करेगा कि आप कितना ज्यादा रिवीजन्स कर रहे हो, एज वेल एज आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं. सेम टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैटर करते हैं, यानी कि सिर्फ आप लोगों को पढ़ते पढ़ते रहना, आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए कि क्वेश्चंस ने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. एंड अगर अब तक भी आप अपने एग्जाम्स को लेके सीरियस नहीं हुए हैं तो बच्चों प्लीज़ सीरियस हो जाओ, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके लाना, प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छा करना, ये सब वर्थ इट नहीं है. ऑन द सेम टाइम आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अपना फोकस जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम पे रखना है. बोर्ड एग्जाम आप लोगों का टारगेट नहीं है, बोर्ड एग्जाम सिर्फ बीच में आने वाले एक एग्जाम है जिसको कवर करके आपको नीट तक जाना है. इट्स जस्ट लाइक अ लैडर कि आप लैडर में स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, आपको पहले प्रैक्टिकल्स देने हैं, आपको फिर बोर्ड एग्जाम से बैठना है, देन आप लोगों को नीट एग्जाम में आना है, फिर एम्स नर्सिंग, आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना है. तो जितने भी रिलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम है वो आप सभी को देने हैं. एंड सेम चैनल पे ही आप लोगों को जितने भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं PCB स्टूडेंट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सभी प्रोसीजर्स आप लोगों को सेम चैनल पर मिलते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत बेनिफिशियल स्पेशली हमारे PCB स्टूडेंट्स के लिए चैनल होने वाला है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन.